हम कंट्रोल सर्वे करेंगे, तो सबसे पहले हम फील्ड सर्वे करेंगे, उसके बाद जो फील्ड सर्वे है उसको हम पेपर वर्क में नोट करते जाएंगे फील्ड के साथ का जो वर्क है, और वो जो बाद में हमारा जो 2D पेपर वर्क है उसको हम ऑटोकैड के अंदर ट्रेस करेंगे, और उसका जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाएंगे एक्सेल के अंदर, और एक्सेल से फिर वापस हम ऑटोकैड के अंदर जो है वो 2D ऑटोकैड कंटूर बनाएंगे, और उस कंटूर में से स्केचअप के अंदर 3D कंटूर की जियोमेट्री बनाएंगे ऐसी। ओके, तो सबसे पहले तो कंटूर सर्वे स्टार्ट करने से पहले हम इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक डंपी लेवल, अगर हम सिंपल कंटूर से स्टार्ट कर रहे हैं तो। डंपी लेवल से क्या होगा कि जो है वो ये वर्टिकल एंगल इसमें नहीं होता, हॉरिजेंटली सेट होता है, तो इसकी मदद से हम स्टाफ के ऊपर रीडिंग लेंगे और कितना एलिवेशन है सामने वाली लैंड का वो हम साथ में मेज़र करते जाएंगे। दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टाफ, हम डंपी लेवल से जिसके ऊपर रीडिंग लेते हैं वो है लेवलिंग स्टाफ, तो वो हमें एक चाहिए होगा। फिर पेग चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्टेशन है उसके ऊपर मार्किंग के लिए हम पेग यूज़ करेंगे। फिर अगर हम ग्रिड सर्वे कर रहे हैं या फिर रेडियल सर्वे कर रहे हैं तो जो इंटरवल है वहाँ पे हम मार्किंग के लिए एरो यूज़ करेंगे। फिर जो स्टेशन से इंटरवल और जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें मेज़र करना है, तो उसके लिए हम मेज़र टेप यूज़ करेंगे। डंपी लेवल है उसको हमें सेट करना है थोड़ी सी हाइट ऊपर, तो उसे उसके लिए हम ट्राइपॉड यूज़ करेंगे। फिर अगर हमें राइट एंगल लेना है, यानी कि हम ग्रिड में काम कर रहे हैं तो हमें जो ग्रिड है वो राइट एंगल में बनानी है, तो उसके लिए हम क्रॉस स्टाफ यूज़ करेंगे। और स्टेशन है उसको नॉर्थ डायरेक्शन के पैरेलल में रखने के लिए, ताकि हमारा जो ग्रिड है पूरा का पूरा सर्वे का वो जो है वो पैरेलल टू नॉर्थ रहे, उसके लिए हम कंपास यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है रेंजिंग करने के लिए हम रेंजिंग रॉड यूज़ करेंगे। उसके बाद जो इक्विपमेंट हमें चाहिए वो है प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब से जो है वर्टिकली एग्जैक्टली हमें जो पेग के ऊपर हमारा स्टेशन रखना है, तो उसके लिए हम प्लम्ब बॉब यूज़ करेंगे। फिर अगर हो हमें एरो या फिर पेग कुछ भी जो है वो लैंड के अंदर डालना है, तो उसके लिए जो है हम हैमर का इम्पैक्ट यूज़ करेंगे। मोस्टली हम वुडन हैमर ही यूज़ करेंगे। फिर थ्रेड बॉल भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मेजरिंग टेप है उसकी लेंथ इनफ नहीं होगी, तो थ्रेड बॉल से हम यूज़ करके इंटरनल के जहाँ पर भी क्रॉस होता है तो वहाँ पर एरो लगा के मार्किंग के लिए हम थ्रेड बॉल यूज़ कर सकते हैं, और रीडिंग लिखने के लिए हम नोटबुक और पेन यूज़ करेंगे। फील्ड के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो स्टेशन मार्क करेंगे, फिर अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सेटअप करेंगे। फिर है जो हम ग्रिड सर्वे कर रहे हैं कंटूर, अभी जो हम सर्वे मेथड यूज़ कर रहे हैं वो ग्रिड मेथड कर रहे हैं, क्योंकि वो रेडियल सर्वे से थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये जो ग्रिड है उसको हम ग्राउंड के ऊपर ट्रेस करेंगे, ताकि उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट है उसके ऊपर हम रीडिंग ले सकें, और जो रीडिंग हम नोट करते हैं वो हम जो नोटबुक और पेजेस है उसके अंदर हम नोट करते जाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टेशन चूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक कंटूर वाला जो स्टेशन है वो हमने चूज़ किया है, और यहाँ पे 3 स्टेशन हमने लिए हैं, और इसके ऊपर के जो रीडिंग है वो हमें नोट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्टेशन ढूंढना पड़ेगा, ताकि जो है वो सारे के सारे पॉइंट है नियर बाय वो हमें दिखाई दे। तो हमने ये 1 नंबर का पॉइंट, 2 नंबर का और 3 नंबर का 3 स्टेशन चूज़ किए हैं, जहाँ से ये थोड़ा सा जो पोर्शन है हिल का वो हम कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टेशन यहाँ पे जाके सेट करेंगे, लेवलिंग करेंगे, फिर यहाँ पे ग्रिड बनाएंगे। ओके, 3x3 मीटर की हम यूज़ कर रहे हैं इस सर्वे के अंदर, तो 3x3 मीटर की ग्रिड बनाएंगे, और ग्रिड का जो क्रॉस सेक्शन है ईच पॉइंट उसके ऊपर हम स्टाफ रख के सारा का सारा रीडिंग लेंगे, और वही जो ग्रिड है रीडिंग वाली उसको हम पेपर में साथ में नोट करते जाएंगे, ताकि फ्यूचर में जब हम ऑटोकैड या फिर 3D बना रहे हो तो वो जो रीडिंग है उसका हम यूज़ ले सके।
कंटूर सर्वे के जो सारे के सारे रीडिंग थे वो अभी हमारे पास जो है वो पेपर शीट में है ग्रिड के फॉर्म में, और जो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड था स्टेशन का वो भी मैंने नोट कर लिया है। तो अब हम है वो उसे 3D में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम ऑटोकैड और दूसरे थोड़े से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। अब जो है हमारे पास ऑटोकैड ओपन है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो सारे के सारे ग्रिड के रीडिंग है उसका यूज़ करके हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑटोकैड के अंदर बनाएंगे, ताकि जो है वो ग्रिड सिस्टम के सारे कोऑर्डिनेट हम ले सके। क्योंकि अभी जो कंटूर सर्वे हमने किया है, वो जो कंटूर सर्वे है, ये सारी की सारी वैल्यू है कंटूर की, वो है हमारी जेड डायरेक्शन, यानी कि अप पॉइंट कितना है और डाउन पॉइंट कितना है। ओके, तो हमें एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट्स है वो सभी के सभी पॉइंट के चाहिए। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड के अंदर ये जो ग्रिड है हमारी, वो सेम ग्रिड में ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ करूँगा, और उसके जो है एक्स वाई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट है वो सबके सबको नोट करूँगा, और जेड डायरेक्शन के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे जो सर्वे में से हमने नोट किए हैं सारे के सारे वो मैं नोट करूँगा, और वो सारे के सारे जो है वो मैं एक्सेल में ले लूँगा, ताकि जो है वो एक अच्छी सी स्प्रेडशीट बने, और उस स्प्रेडशीट जो है वो कोऑर्डिनेट वाली उसको मैं वापस ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करूँगा। तो ये जो ग्रिड है एक्स वाई जेड की 3D ग्रिड बनेगी, अभी जो है वो 2D ग्रिड है और इसमें सिर्फ जेड डायरेक्शन के जो रीडिंग है वही है। तो फिर मैं एक्सेल शीट का यूज़ करके ऑटोकैड में इंपोर्ट करके ये जो है वो उसको 3D ग्रिड में कन्वर्ट करूँगा। ओके, तो अभी जो है वो हमने सारे के सारे जो स्टेशन के ऊपर के रीडिंग थे वो हमने पेज के ऊपर नोट किए थे, और सारे के सारे जो रीडिंग थे वो जिस स्टेशन पे से लिए गए थे उसके GPS के कोऑर्डिनेट्स जो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड है वो भी हमने नोट किए थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ऑन फील्ड है वो डंपी लेवल से सारे के सारे रीडिंग ले लिए, फिर जो है वो हमने वो रीडिंग जो है उसको पेपर में डंपी लेवल से जो रीडिंग आए थे उसको पेपर में नोट कर लिए, और जो वो पेपर है वो सारा का सारा जो है वो ऑफिस सर के लिए हमने सेफ रख लिया, और जो स्टेशन में से जिस स्टेशन में से हमने जो रीडिंग लिए थे उस स्टेशन का जो है वो हमने GPS कोऑर्डिनेट जो है वो भी नोट कर लिया है, ताकि जो अलग अलग स्टेशन से रीडिंग लिए गए हैं उसको हम कंबाइन कर सके वो भी इजीली तरीके से। ठीक है, तो ये जो स्टेशन है उसका जो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड है वो यहाँ पे नोट किया गया है। ओके, तो अब इसके लिए हम जो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, ओके, तो इसके अंदर हमें सिर्फ जेड डायमेंशन यानी कि जो एलिवेशन है अलग अलग पॉइंट का वही मिलेगा, लेकिन अगर हमें जो है वो फॉर एग्जांपल इस कोऑर्डिनेट का कोई रीडिंग चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो एक्स वाई हमारे पास नहीं होगा, सिर्फ जेड ही होगा। तो सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट है उसके मुझे एक्स और वाई भी चाहिए, ताकि मैं इसको 3D में इजीली कन्वर्ट कर सकूँ। तो इसके लिए हम एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए
तो इस ग्रिड को हमें ऑटो कैड के अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम इसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है अलग अलग पॉइंट के वो हम नोट कर सकें। तो इस वीडियो के जो छोटा सा सेगमेंट है इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ग्रिड ड्रॉ करेंगे और सारे के सारे एक्स वाई जी जो कोऑर्डिनेट है वो एक्सेल के अंदर डिराइव करेंगे। सबसे पहले जो हम है वो ये ग्रिड हमें दी गई है उसको हम ऑटो कैड के अंदर ड्रॉ करेंगे। ये जो ग्रिड है वो 3x3 की ग्रिड है और ये जो टोटल लेंथ है वो 45 मीटर और इस तरफ भी 45 मीटर, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सेंटर में है। तो अगर हमें इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट लेके ग्रिड ड्रॉ करनी है तो यहाँ पर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर और लास्ट में 1.5 मीटर होगा, तो 22.5 मीटर और इस ओर भी 22.5 मीटर, तो यानी कि हमारा टोटल हो गया 45 मीटर और इस ओर भी सेम ही होगा 45 मीटर। तो हम जो है ऑटो कैड के अंदर ये सेम ग्रिड इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड लेते हैं ताकि इजीली जो है ग्रिड ड्रॉ कर सकें, और F8 फंक्शन ऑन कर देते हैं ताकि जो है हमारी जो लाइन है परपेंडिकुलर ही ऑलवेज ड्रॉ हो। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ। टोटल हमें 22.5 ऑप्शन है, लास्ट जो हमारा सेगमेंट है वो होगा 1.5 का। तो हमारी ये वाली जो लाइन है वो प्रिपेयर होगी और सेम जो लाइन है उसको हमें नीचे की ओर ड्रॉ करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका जो मिरर है उसको हम डाउन से ले लेंगे, तो इजीली हमें दूसरी बार ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारी हो गई, और अब इसका हम क्या करेंगे कि मिरर करेंगे लेकिन 90 डिग्री में करेंगे। बीच में हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा सेंटर पॉइंट है। ये 22.5 मीटर की लाइन हो गई है, टोटल होगा हमारा 45। अब जो हमारे ग्रिड है वो रेडी हो चुकी है, जो हमारी ऑन पेपर है उसके मुताबिक। तो ऑन पेपर के अंदर हमारे पास जेड डायमेंशन
तो ये जो ग्रिड है उसको हम अगर यहाँ से 0 0 लेते हैं या फिर ऑटोकैड के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट है उसके मुताबिक हम जो है वो उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेके हम जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ऑटोकैड में से लेंगे और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो हम यहाँ से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कॉर्नर का फाइंड करना है तो यहाँ पे एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट होगा ऑटोकैड के अंदर और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे होगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक्सेल शीट यूज़ करूँगा और एक्सेल का यूज़ करके ये तीनों के तीनों जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं एक्सेल के अंदर ले लूंगा। हमारी जो ऑटोकैड की ग्रिड है वो यहाँ पे रेडी हो गई है। तो अब इसके जो एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है वो हमें यहाँ पे डालने हैं, ओके, एक्सेल के अंदर। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सेल के अंदर है वो इस डायरेक्शन के अंदर बनेगा, तो एक लीनियर फॉर्मेट के अंदर बनेगा। तो हमें जो पैटर्न फॉलो करना है रीडिंग लिखने के लिए एक्सेल के अंदर, तो वो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हम नोटबुक के अंदर लाइंस लिखते हैं उसी तरीके से इसमें भी रीडिंग लिखेंगे। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर राइट की ओर जाएंगे, फिर दूसरी लाइन लेंगे, फिर तीसरी लाइन लेंगे, राइट की ओर ले जाएंगे, और यहाँ से जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे नोट होते जाएंगे, ओके, ये दोनों। और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो हमें लेना है जो इमेज है उसके ऊपर से। तो इसके अंदर जो हमने एलिवेशन थे ऑन साइट वो यहाँ पे हमने नोट किए गए हैं, तो उसको हम एक्सेल के अंदर मैन्युअली ऐड करेंगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो ऑटोकैड के अंदर से आ जाएंगे। तो जो ये कोऑर्डिनेट है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए इनबिल्ट कोई फैसिलिटी नहीं है ऑटोकैड के अंदर, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये जो यहाँ पे लिंक दी गई है उसको फॉलो करके ये जो लिस्प नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ये जो लिस्प है वो मैंने डाउनलोड कर ली है, तो इसको ऑटोकैड के अंदर अपलोड करने के लिए मैं सबसे पहले एपी डाउन लोड करूँगा, एप्लीकेशन लोड करने के लिए, ओके। और वो लोड हो जाएगा तो उसके बाद मुझे क्लिक टू एक्सएलएस लिखना है, ताकि मैं जो है वो ऑटोकैड के अंदर इसी तरीके से सिर्फ क्लिक करके पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सेल के ऊपर इजीली ले सकूँ। तो सबसे पहले मैं ऑटोकैड ओपन करूँगा, कमांड लाइन में एपी लिखूँगा, ओके। जो अब मुझे जहाँ से भी जो हमारा लिस्ट है वो डाउनलोड करना है, इसके अंदर लोड करना है, वो मैं ले लूँगा। ये वाला जो लिस्ट है क्लिक टू एक्सेल एस वो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से उसे लोड कर लूँगा, ओके। जस्ट क्लिक लोड, ओके, ऑलवेज लोड, ओके। अब ये लोड हो गया है सक्सेसफुली, यहाँ पे आपने मैसेज देखा होगा। फिर ये जो है वो हम एक्सेल के अंदर अब लोड करेंगे, तो उसके लिए जो हमें कमांड यूज़ करना है वो भी यहाँ पे हमें दिया गया है, क्लिक टू एक्सेल एस, ओके। तो हम ऑटोकैड की कमांड लाइन में क्लिक टू एक्सेल एस लिखेंगे, XLS, ओके, और एंटर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो है वो अब हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट पे क्लिक करना है, 1 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, एक्स और जेड, वाई यहाँ पे, और जेड यहाँ पे ऐड हो रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्लिक यहाँ पे था इसलिए, ओके। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, इस तरीके सारी के सारी जो ग्रिड है उसके हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऐड करने हैं। हमारी जो ऑटोकैड की फाइल थी उसके सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स है ग्रिड के वो यहाँ पे एक्सेल के अंदर ट्रेस हो गए हैं, ओके। तो ये जो टोटल कोऑर्डिनेट है वो हम यहाँ से सिंपली सीरियल नंबर की मदद से काउंट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि नंबर ऑफ रीडिंग्स कितने हैं। नंबर ऑफ रीडिंग 289 है, ओके। तो हमारी जो सेवन एक लाइन के अंदर 17 रीडिंग है, और जो स्टेशन होगा हमारा यहाँ पे सेंटर में, वहाँ पे कोई रीडिंग नहीं होगा एज का, तो हमें जो स्टेशन की हाइट है वो वहाँ पे लेनी है, ओके। तो अब जो ये रीडिंग है वो हमारे पास जेड नहीं है, तो जेड जो है वो हम अपने जो पेज के अंदर जो हमने रीडिंग लिए थे उसके ऊपर से हम जो है वो जेड लिखेंगे। तो उसके लिए हमें जो एलिवेशन का रीडिंग है वो वन बाय वन ऐसे लिखते जाने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट के जो रीडिंग है वो तो हमने एक्सेल के अंदर नोट कर लिए हैं, लेकिन जो जेड डायरेक्शन वाला जो हमारा रीडिंग है यहाँ पे जो, तो उसके लिए जो है वो हम हमारे जो ऑन फील्ड के जो डेटा है पेज का उसको हम वन बाय वन नोट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट है, ओके, तो उसके अंदर जेड हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो
जेड की वैल्यू है 1.145, तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे 1.145। ओके, दूसरा पॉइंट हमें चाहिए अगर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है 1.310, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.310। ओके, तो उसी तरीके से हमें तीसरा पॉइंट लिखना है, तो 1.870 होगा हमारा। फिर हमारा जो रीडिंग है वो है 2.690। तो उसी तरीके से हम जो है वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट इस तरह से यहाँ से लाइन ख़त्म करके ऐसे जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिकॉर्ड किया था, ये सारे के सारे जो जेड के पॉइंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, सभी कोऑर्डिनेट के एक्स वाई एंड जेड तीनों के तीनों पॉइंट होंगे। तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है उसका यूज़ करके हम फिर वापस ऑटोकैड के अंदर इम्पोर्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, अभी जो हमारी जियोमेट्री है वो अगर हम देखना चाहिए तो एकदम ही 2D है, 3D जियोमेट्री ने आप देख सकते हैं लाइन साइड में से ये हमें लाइन दिख रही है। तो फिर क्या होगा, हमारे कोऑर्डिनेट 3D आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट अलग अलग आप ऊपर देख सकते हैं, तो उसके ऊपर से हम जो है वो कंटूर बना सकते हैं इजीली। ओके, तो अब जो है वो हम एक्सेल के अंदर वन बाय वन जो रीडिंग है वो हमारे ऑन साइड की जो शीट है उसके ऊपर से हम ट्रेस करेंगे। ऑटोकैड का ड्राइंग जो है उसका यूज़ करके हमने एक्सेल के अंदर एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है सभी के सभी ग्रिड के वो हमने ट्रेस कर लिए हैं। अब हमें चाहिए था जेड कोऑर्डिनेट, तो वो हमने जो फील्ड में से रीडिंग लिए थे डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन के ग्रिड में से, वो हमने मैन्युअली एंटर कर दिए है। तो अब हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ओके, तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट को हम जो पूरी की पूरी शीट बनी है टेबल उसको हम ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो ऑटोकैड के अगर अंदर जब हम इंपोर्ट करते हैं तीनों के तीनों पॉइंट, तो नॉर्मली अभी जो एक्स और वाई का जो रीडिंग था वो 2D प्लेन बनेगा और जेड का है वो 3D पॉइंट हमें देगा। तो फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है वो 0.0 है और बी पॉइंट है वो फॉर एग्जांपल 0.05 है, यानी कि जेड में है। तो ऐसा एलिवेशन होगा, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। तो सारे के सारे पॉइंट के हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो उससे क्या होगा, जब हम ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करते हैं ड्राइंग, तो उसके अंदर 3D पूरा का पूरा कंटूर होगा। तो सभी कंटूर है उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होंगे। अभी कंटूर नहीं बनेगा, सिर्फ कंटूर के अलग अलग जो पॉइंट है वो इंपोर्ट होंगे, और उसको हम उस जो सारे के सारे पॉइंट है उसका यूज़ करके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड के अंदर, उसका यूज़ करके हम पूरा का पूरा कंटूर बना सकते हैं। और एक स्केचअप नाम का और सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करके हम जो है वो पूरा का पूरा कंटूर 3D में टेरेन की तरह बना सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा एक्सेल है शीट और जो हमारी ऑटोकैड की शीट है उसके अंदर हम अब हमें न्यू ड्राइंग ओपन करना है। ओके, तो अब हम यहाँ से न्यू ड्राइंग लेते हैं, कोई भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लीजिए इसमें से। और जो हमारी एक्सेल की शीट है उसके अंदर जो हमने अभी कोऑर्डिनेट सारे के सारे लिए थे, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के, तो वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट है वो हमें ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करने हैं, ताकि हमें 3D पॉइंट्स जो कंटूर के हैं अलग अलग वो सारे के सारे ऑटोकैड के अंदर मिले, ताकि उसकी मदद से हम पूरा का पूरा कंटूर बना सके। ओके, अब जो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे कोऑर्डिनेट हैं उसके अंदर एक्स वाई फिक्स रहेगा, लेकिन जेड है उसमें से हमें जो हमारी स्टेशन हाइट है वो हमें निगलेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा जो स्टेशन है, हम सारा का सारा जो कंटूर बना रहे हैं इस लेवल की हाइट से बना रहे हैं, और हमें चाहिए जो कंटूर चाहिए वो लैंड के लेवल से हाइट के चाहिए। ओके, तो हमें जो सारे के सारे रीडिंग है वो इस रेफरेंस की हाइट से मिलेंगे। तो सारे जो रीडिंग है उसमें से जो स्टेशन हाइट है हमने जो ली है उसको हमने निगलेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर से। तो वो जो है हम स्टेशन हाइट है 1350, वो हम सारे के सारे रीडिंग में से निगलेक्ट करेंगे, ताकि जो कंटूर है हमारा लैंड के ऊपर से हमें मिले। तो सेम जो है एक्सेल उसके अंदर हमारे एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो सारे के सारे सेम रहेंगे। तो मैं उसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये सारे कोऑर्डिनेट कॉपी पेस्ट हो गए। अब जो जेड है उसको, ये जो ओरिजिनल रीडिंग है वो स्टाफ का है, वो विथ रेफरेंस टू क्या है, जो हमारी स्टेशन हाइट है उसके मुताबिक है। तो हमें उसमें से 1.350 निगलेक्ट करना है, ताकि जो है हमारा एक्चुअल रीडिंग है वो लैंड पर से हमें मिले। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू, इसको प्लस हमें माइनस में रीडिंग रखना है, ताकि ऑटोकैड के अंदर हम डालें तो ऐसा हमें स्लोप मिले।
क्योंकि अभी जो है वो प्लस में होंगे, क्योंकि स्टाफ के अंदर का रीडिंग है वो कितना डाउन है वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो डाउन होगा तो इसलिए हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1350 में से सारे के सारे जो रीडिंग है वो हम निगलेक्ट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे के सारे रीडिंग है वो हमें वन बाय वन मिल रहे हैं, और उसका जो फॉर्मूला है 135 माइनस E2, E2 यानी ये वाला सेल, उसके नीचे होगा E3, E4, यानी कि जो फॉर्मूला है वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, और जो फॉर्मूला है वो हमें लास्ट तक ट्रेस करना है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे के जो कोऑर्डिनेट है वो लैंड के रेफरेंस में आ गए हैं। तो अब जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर ट्रेस करने के लिए वो है SWDTM। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी पड़ेगी। तो हम इस ये जो यहाँ पे थीम है उसके मुताबिक हमारे XYZ कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑटोकैड के साथ वर्क करता है, तो आप इसकी वेबसाइट में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दी गई है सॉफ्टवेयर की, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। आप ओपन करेंगे तो ऐसा एक टेक्स्ट ओपन होगा, तो उसके अंदर से हमें क्या करना है, इंपोर्ट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सेल। ओके, तो उसके लिए पहले तो हमें एक्सेल में इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक यहाँ पे सेट करना पड़ेगा हमारा रीडिंग। तो हमारा XYZ जो कोऑर्डिनेट है वो सारे के सारे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 289 हमारे टोटल कोऑर्डिनेट्स है, उसको मैं सिंपली यहाँ पे ट्रेस करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ओके, जब पेस्ट में आपको अगर दिक्कत आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही पेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू पेस्ट कीजिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी सारी जो वैल्यू है वो वहाँ पर से डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट हो गई है। ये सारी की सारी जो वैल्यू है अब यहाँ पे आ गई है। रिमार्क्स में हमें कुछ नहीं लिखना है तो हम ब्लैंक ही रखेंगे। सीरियल नंबर के अंदर जो है वो हम नंबरिंग डाल देंगे, ताकि जो सॉफ्टवेयर है उसको पता चले कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हैं। ओके, हमने अब यहाँ पर तक डाल दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो ये वाला पॉइंट है उसको हम यूज करेंगे, इंपोर्ट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सेल। तो उसके लिए ऑटोकैड के अंदर हम एक ब्लैंक फाइल ओपन रखेंगे, ताकि ये जो सारे के सारे पॉइंट है वो इंपोर्ट होके यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इंपोर्ट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सेल। उसके लिए सबसे पहले तो हम ये वाला पोर्शन जो है वो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट्स एक्सपोर्ट। तो आपको यहाँ पर पूछेगा कि पॉइंट का लेबल का स्केल कितना रखना है और कोई रिमार्क्स आपको लेने हैं या नहीं, इंपोर्ट कीजिए। ये अब आपको ऑटोकैड के अंदर जाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे जो पॉइंट है हमने जो ग्रिड सिस्टम के लिए थे वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आप अभी तो आपको ये 2D में ही दिखेगा, अगर आप इसको साइड व्यू में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारे के सारे पॉइंट सिस्टम है वो 3D के अंदर है। आप देख सकते हैं सिंपली आपको स्लोप दिख रहा होगा अभी, तो ये सारा का सारा स्लोप है वो आप देख सकते हैं, टेरेन जैसा आपको तो दिख रहा है। ओके, तो इसकी मदद से अब हम पहले तो इसे 2D में ही रखते हैं, ताकि इजीली जो है हम इसको कन्वर्ट कर सकें। तो अब ये फर्स्ट फेज था हमारा। सेकंड जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमें ड्रॉ के अंदर जाना है, उसके अंदर बाउंड्री एड करनी, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट है और आपको थोड़ा सा ही कंट्रोल बनाना है तो आपको बाउंड्री देनी पड़ेगी। तो ड्रॉ के अंदर जाइए और उसके अंदर जो है वो एड बाउंड्री है उसका ऑप्शन लीजिए, और सिंपली जिस साइज के अंदर आपको कंटूर चाहिए तो उसके बाउंड्री के बाहर आपको बाउंड्री ड्रॉ करनी है। तो मैंने अब यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ कर दी है। ओके, तो अब ये सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि इस बाउंड्री के अंदर रहकर मुझे जो है वो कंटूर बनाना है। फिर आप जाइए ट्राइंगुलेट में, ट्राइंगल्स जो मेनू है उसके अंदर है, उसके अंदर आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, जस्ट सिंपली ओके ओके बाय डिफॉल्ट ही रखना है। कोई आपको अगर अलग लेयर्स बनाने हैं तो आप यहां से बना सकते हैं, हमें डिफॉल्ट ही रखना है इसलिए सिंपली ओके। ओके, इसने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, 289 पॉइंट्स सिलेक्टेड, प्रोसेस सक्सेसफुल।
तो हमें कंटूर में जाना है और ड्रॉ क्विक कंटूर में जाना है, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो वो आपको इंटरवल पूछेगा कंटूर का। हमारा जो ऑन फील्ड का था वो 3 मीटर का था। अब इंटरेक्शन करके अगर फॉर एग्जांपल हमें इसके बीच का भी कोई पॉइंट चाहिए तो ये सॉफ्टवेयर ही हमें दे देगा, तो हम कंटूर इंटरवल में 1 मीटर रख सकते हैं, 5 मीटर रख सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम स्केल भी रख सकते हैं, सिर्फ आपको ड्रॉ पे क्लिक करना है तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे कंट्रोल ड्रॉ कर देगा। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल इंटरवल हमने थोड़ा सा छोटा रखा है इसलिए यहाँ पे एक ही कंट्रोल आया है। हम कंट्रोल जेड देंगे, फिर से हम कंट्रोल के अंदर ड्रॉ क्विक कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे 0.5 रख देते हैं। आप देख सकते हैं अब जो कंट्रोल की लाइन है वो ऐड ज़्यादा हो गई है। उसके अंदर आप इंटरेक्शन करके आपको एक्यूरेट जितना ड्राइंग मिलता है उतना आप इसके अंदर कर सकते हैं। वापस हम फिर से ट्राई करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कंट्रोल मिला है लाइन के ज्वाइन करने के बाद। तो अब ये जो कंट्रोल है उसको हम थोड़ा सा 3D में देखते हैं ताकि हमें पता चले ये एक्चुअल में है कैसा। आप देख सकते हैं 3D ज्योमेट्री अब बन गई है ऑलमोस्ट। ओके, अब ये कंटूर तो सिंपली बन गए हैं लेकिन उसके जो एलिवेशन है वो तो यहाँ पे लिखे हैं। अगर कंटूर है तो उसके अंदर जो उसकी लाइन है उसके अंदर भी हम उसका जो डायमेंशन है वो लिखते हैं कि कंटूर कितने हाइट वाली लाइन की है। तो उसके लिए आपको कंटूर में वापस जाना है और कंटूर एनोटेशन लेना है। वहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आपको पूछेगा कि LW लाइन लेनी है, स्प्लाइन लेनी है, सिंगल लाइन लेनी है, कंट्रोल ऑप्शन, आपको एनोटेशन कहाँ पे लिखना है, टेक्स्ट की हाइट क्या रखनी है, आपको फिर क्या करना है ऐड करना है। और जहाँ पे आपको कंट्रोल की लाइन ऐड करनी है वहाँ पे सिर्फ क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो कंट्रोल है उसकी जो लाइन है उसका रीडिंग है वो यहाँ पे आ गया है। इसको मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑल कर दूंगा। ओके, वापस ऐड करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी मुझे चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं टेक्स्ट की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ऐड जिस लाइन पे चाहिए उसको इस लाइन में से क्रॉस होना चाहिए, तो वो इसके बीच की जो जितनी भी सारी लाइन है उसके बीच में ये रीडिंग लिख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 by 1 रीडिंग ऐड हो रहे हैं सॉफ्टवेयर की ओर से। आपको और भी ऐड करने हैं तो आप सिंपली जस्ट लाइन ड्रॉ करते जाइए। हमने 0.1 का इंटरवल का कंट्रोल बनाया इसलिए यहाँ पे 0.1 का इंटरवल का आ रहा है, 0.1.3, 1.4, 1.5। और फिर से आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड की क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिए और 1 by 1 यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। इसी तरीके से आप सारी की सारी जो लाइंस है उसके ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्लोप था एक्चुअली, अभी हम गूगल के अंदर भी ये स्लोप देखेंगे और कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे स्टीप स्लोप था यानी कि सडन स्लोप था और यहाँ पे स्मूथ ग्राउंड था। ओके, तो उसके मुताबिक ही जो है हमारे रीडिंग आए हैं। तो हम ऐसे कंफर्म भी कर सकते हैं कि जो हमारी लाइन्स है वो एक्चुअल रीडिंग के साथ कितनी मैच होती है, और फिर फाइल को सेव भी कर दें। अभी जो ड्राइंग है हमने एक स्टेशन का ही लिया, ऐसे हमारे पास 3 स्टेशन थे तो सारे के सारे जो स्टेशन है उसका हम कंटूर बनाएंगे। और अगर हम अलग अलग बनाना चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। तीनों कंटूर के जो स्टेशन है उसको हम मर्ज करके एक बड़ा सा कंटूर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो अभी तो हम जो है वो अभी हमने एक स्टेशन का ही बनाया है तो उसका हम 3D देखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि तीनों के तीनों कंटूर को बना के उसको मर्ज कैसे करते हैं और 3D ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो वाला 2D है इसका हम जो लोकेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चले ये कितना मैच हो रहा है। अभी जो हमने 3D एलिवेशन बनाया है उसको हम
गूगल अर्थ के साथ थोड़ा सा कंपेयर भी कर सकते हैं, ताकि सैटेलाइट इमेजिनरी से हमें पता चले कि हमारा जो कंटूर है वो टोटली रॉन्ग नहीं है। तो उसके लिए हमने जो स्टेशन के रीडिंग लिए थे उसका जो GPS कोऑर्डिनेट है वो भी हमने नोट किया था। तो आपको यहाँ पे ऐसे सिर्फ मार्क लेना है, और आपको जो मार्क है मार्किंग सिस्टम उससे आपको मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम टिक मार्क ले लेते हैं, तो अब हमें मार्क कहाँ पे करना है वो हमें इसको कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे, ताकि हम जो है वो कोऑर्डिनेट की मदद से एग्जिट स्टेशन फाइंड करें। तो हम यहाँ से लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो हमने ऑन साइट नोट किए थे वो यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूव हो गया। अब सिंपली मुझे ओके प्लेस करना है और जो टैग मार्क है वहाँ पे मुझे क्लिक करना है। तो टैग मार्क में मैंने नाम भी दिया है G1, तो डायरेक्ट मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो गूगल अर्थ जो है वो मुझे वहाँ पे ले जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सर्वे किया था, तो लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड भी आप इस मार्क का यहाँ से देख सकते हैं। ओके, टोटली हमारे यहाँ पे 3 स्टेशन थे, एक स्टेशन, दूसरा स्टेशन और तीसरा स्टेशन। तो अभी जो हमारा स्टेशन है उसके जो रीडिंग है उसके मुताबिक हमने जो बनाए हैं 3D ज्योमेट्री कंटूर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सडन स्लोप है और यहाँ पे नॉर्मली छोटा सा स्लोप है। तो उसको हम ऑटोकैड के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना डिफरेंस आया है। हमारा जो ड्राइंग है नॉर्थ के रेफरेंस में है, तो हम तो इसे थोड़ा सा घुमा लेते हैं। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सडन स्लोप है और यहाँ पे भी सडन स्लोप है। ओके, और यहाँ पे स्मूथ स्लोप है, तो यहाँ पर भी स्मूथ स्लोप है। तो ऐसे आप कंपेयर करके रफली देख सकते हैं कि कोई रीडिंग में बाय डिफॉल्ट कोई बड़ी सी मिस्टेक तो नहीं रही गई है। ओके, तो अभी तो हमने इसका एक ही ड्राइंग बनाया है इस स्टेशन का, बाकी के दोनों जो स्टेशन है वो कि अब जो हमारे पास कंट्रोल का जो लाइन्स है उसको हम अगर 3D टेरेन बनाना चाहते हैं, यानी कि 3D प्लेन जो है हम गूगल अर्थ के अंदर देखते हैं वैसी एक स्मूथ प्लेन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो ट्रिम्बल कंपनी का स्केचअप नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो ये ड्राइंग है हमारा ऑटोकैड का उसको यहाँ पर हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इस ड्राइंग को मैं सबसे पहले सेव करूँगा ताकि जो है वो मैं इजीली इसको इम्पोर्ट कर सकूँ। तो इसको मैं DXF फॉर्मेट में सेव करूँगा। इसे अब मैंने सेव कर दिया है, और फिर मैं स्केचअप ओपन करूंगा, उसके अंदर फाइल में जाऊंगा और उसमें इंपोर्ट के इंपोर्ट के अंदर अब मुझे जो है वो ये G1 3D का जो DXF फाइल है उसको इंपोर्ट करनी है। सिंपली क्लिक कीजिए कि आपको यहाँ पे डिटेल दिखाएगा कि कौन सी लाइन और कितनी पॉली लाइन ऐड हुई है, सिर्फ आप क्लोज करना है। अब जो ऑटोकैड की सारी लाइन है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्मूथ ट्रेन आपको दिखे गई होगी। तो अब जो बिन ज़रूरी लाइनें हैं ये सारी की सारी वो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ सिंपली। ये बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है, इसको इसके अंदर आपको बहुत सारे इजीली टूल मिल जाएंगे। तो अब जो है हमें इसके अंदर 3D टेरेन इस लाइन की मदद से हमें बनानी है, तो उसके लिए एक सैंड टूल नाम का जो है वो यहाँ पे सैंड बॉक्स है उसका हम यूज़ करेंगे। तो सैंड बॉक्स आप अगर स्केचअप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन वगैरह उसमें जाके सैंड बॉक्स लिखना है। सैंड बॉक्स लिखेंगे तो आपको जो ये वाला सेटअप है उसको आप एक्सटेंशन वगैरह उसमें से सर्च करके आपको उसे फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैंड बॉक्स। ओके, तो हमें ये वाला टूल चाहिए। ओके, ये स्केचअप की टीम ने ही बनाया है, तो ये जो है वो कंटूर हमें इजीली क्रिएट कर देता है जो हमारी कंटूर लाइंस होती है उसके ऊपर से।
पे आप देख सकते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल दिखा रहा है। तो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक ऐसा टूल दिखाई देगा। तो अब आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ जो कंट्रोल लाइन्स है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्रॉम कंट्रोल्स यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है जस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे। तो ये जो सारी की सारी लाइन्स है उसको एक वो पेरेंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एक आप देख सकते हैं एक लाइन ऐड हो गई है यहाँ पे। अब जो ये 3D जियोमेट्री है उसका मुझे स्केल थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि मुझे ये इजीली फील में आ सके कि ये कैसी दिख रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्लोप है वो कैसा था वहाँ पे ऑन साइट 3D के अंदर। ओके, अब आप अगर इसको जो स्केल है उसका बीच में से थोड़ा बड़ा कर देंगे तो आपको इजीली आइडिया आएगा कि ऑन द स्पॉट ऐसा कुछ स्लोप था, कि यहाँ पे जो है वो स्मूथ स्लोप है और यहाँ पे सडन स्लोप था। ओके, तो अब जो है वो आप इसको गूगल के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये ऐसा ही स्लोप था या फिर थोड़ा सा अलग था। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं कि डार्क एरिया है। आप टाइम लाइन से अलग अलग टाइम लाइन का जो है वो सेट भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि जो ड्राइंग है अभी मॉनसून का है, इसलिए ये जो यहाँ पे लेक है उसके अंदर ये चला गया है पॉइंट। ओके, ये समर का है, आपको यहाँ पे दिख रहा है सडन स्लोप है, 2009 का फोटोग्राफ है। ओके, तो अब हम 2016 में ही रहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने 45x45 की जो ग्रिड ली थी उसकी ग्रिड की मदद से जो हमने कंटूर बनाया है वो इसके साथ यहाँ पे मैच होता है। हमने जो है वो अभी 3D जियोमेट्री उसमें से क्रिएट की है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो 3D लाइन्स है कंटूर की और उसको ज्वाइन करती हुई एक प्लेन बनाई है सॉफ्टवेयर का टूल जो हो सेम टूल की मदद से। तो ये जो प्लेन है उसकी मदद से आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट टू स्टेशन है उसका भी ऐसा ही कंटूर बनाएंगे और उन सबको मर्ज करेंगे ताकि ये जो माउंटेन है उसका छोटा सा जो पोर्शन है उसको हम 3D में कन्वर्ट कर सकें। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं ऐसी ये दिखती है। उसको आप कलर भी कर सकते हैं अलग अलग टोन में ताकि आपको पता चले कि कंटूर है उसकी हाइट के मुताबिक कलर है वो आप फिलअप कर सकते हैं इसके अंदर कलर बाय स्लोप। ये भी टूल है वो आपको एक्सटेंशन में से मिल जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है वेयर हाउस एक्सटेंशन उसके अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ कलर टोन सिलेक्ट करना है, कोई भी टोन आप रख सकते हैं। ओके कीजिए, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी रखनी है सिर्फ ओके करने, नंबर ऑफ कलर आपको सिलेक्ट करने हैं। मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने कलर अप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं कलर कंटूर में ये कैसा दिखता है ताकि हमें जस्ट रफली आइडिया आ सके कि ये एक्चुअली ड्राइंग दिखने में कैसा है। आप इसको कोई अलग कलर में भी कलर टोन कर सकते हैं जो भी आप चाहें ताकि आपको इजीली अगर कलर प्रिंट करनी है तो आइडिया आ सके कि ये कलर दिखने में कैसा होगा। ओके, यहाँ पे अब कलर टोन सेट हो गया है। अब आपको पता चलेगा कि जो एलिवेशन डिफरेंस है वो आप कलर टोन के साथ देख सकते हैं। तीनों के तीनों जो हमारे कंटूर के स्टेशन थे उनमें से हमने 3D जो कंटूर है उसका मैप बना लिया है। अब जो है वो हम देखेंगे कि उसको कंबाइन कैसे करते हैं लैपटॉप के अंदर।
अब जो है हमारे पास स्टेशन के लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड थे और उन सभी स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास था, तो उसकी मदद से हम जो है हमारे वो स्टेशन है उसको हमारा जो लैपटॉप है उसके अंदर अब हम कंबाइन करेंगे। तो उसके लिए जो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और साथ में ही जो दूसरा सॉफ्टवेयर है कंट्रोल 3D बनाने के लिए वो है स्केचअप। तो इन दोनों का यूज़ करके हम देखेंगे कि कैसे हमारा कंटूर है वो कंबाइन करके ओवरऑल हमारा जो एरिया था वो कैसा 3D में दिखता है वो अब हम देखेंगे। अब जो है वो हम ऑटोकैड का यूज़ करके तीनों के तीनों जो हमारे स्टेशन है उसके जो रीडिंग है वो हम कंबाइन करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम हमारा जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंट्रैक्शन किया है तीनों के तीनों जो स्टेशन है उसके रीडिंग का, तो वो मैंने कैसे किया वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सेम मेथड का यूज़ करके मैंने तीनों के तीनों जो स्टेशन थे हमारे उसका जो है मैंने एक्सेल शीट है उसके अंदर कोऑर्डिनेट मैंने ट्रेस कर लिए है जो जेड डायरेक्शन के थे। तो उसका जो एक्सेल शीट है हमारे पास अब रेडी है। ये जो है वो स्टेशन नंबर 2 की है, G2 है वो, फिर ये जो है वो G3 है और ये जो हमने सबसे पहले की थी वो G1 है। इसके अंदर फिर से मैं बता देता हूँ कि हमने जो रीडिंग लिए थे उसमें से जो एक्स और वाई डायरेक्शन के जो रीडिंग है ओके तो वो हमने ऑटोकैड में से ट्रेस करके लिए है और जेड डायरेक्शन का जो रीडिंग है वो हमने ऑन फील्ड जो रीडिंग लिए थे हमारे पास जो ऑन पेपर हमने सारे के सारे रीडिंग लिए थे वो है वो जेड के कोऑर्डिनेट है। तो वो सारे के सारे जो जेड के कोऑर्डिनेट है वो मैंने यहाँ पे लिखे। अब उसमें से हम जो है वो स्टेशन की जो हाइट है उसमें से निगलेक्ट करेंगे ताकि जो हमने कॉन्टोर बनाना है वो जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसके लेवल का बने, ताकि हम इसके अंदर से, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं कि जो कंटूर की हाइट है वो मैंने इसमें से माइनस किए जो स्टेशन हाइट है वो। तो इसके अंदर एक और चीज़ मैंने की, आप देख सकते हैं कि स्टेशन हाइट 1.35 है और इसके अंदर मैंने प्लस 1.185 ऐड किया है। तो अभी जो हमारे पास तीन स्टेशन थे, मैंने आपको दिखाया होगा गूगल अर्थ के अंदर जो हमारे एक्चुअली जो तीन स्टेशन है वो नियर बाय साइड है ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे तीन स्टेशन है 1, 2 और 3, तो सभी को हमने कनेक्ट करने के लिए यानी कि एक कंबाइंड ड्राइंग बनाने के लिए हमें है जो एक को रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा। तो हमने जो G1 का स्टेशन है नंबर 1 स्टेशन उसको बेंचमार्क लिया है, तो सभी जो पॉइंट्स है उसके मुताबिक जो दूसरा स्टेशन है उसको प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो उसके मुताबिक जो है वो स्टेशन G2 है वो एक्चुअली उससे थोड़ा सा अप साइड में है, तो उसके अंदर मैंने जितना अप है 0.185 उतना उसके अंदर मैंने अप कर दिया है। तो अब जो है आगे हम देखेंगे कि ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम है ओके। तो इसके लिए जो हम ऑटोकैड के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार है, सबसे पहले SN है, फिर X है, Y है, Z है और उसके बाद जो है वो रिमार्क है। तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ से जो साइड का टैब था उसमें से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सारा का सारा जो X, Y और Z डायरेक्शन है उसको मैंने कॉपी कर दी है और यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि जो भी रीडिंग है तीन के अपर है वो हाईलाइटेड हो जाए, ताकि मुझे पता चले कि अगर मेरी कोई टाइपिंग में मिस्टेक है तो मुझे पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 के बजाय मैंने 33 डाल दिया है एलिवेशन के अंदर, तो मुझे रफली आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक से कोई ज़्यादा ही रीडिंग डाल दिया है। तो यहाँ पे हो जाए, उसके बाद आपको ऑटोकैड के अंदर सारे के सारे पॉइंट इंपोर्ट करने के लिए जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखाया था SW वाला उसका यूज़ करके हम ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो अभी जो हमारे पास है एक्सेल शीट तीनों की तीनों जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी की सारी तैयार है और ऑटोकैड के जो ड्राइंग है वो भी हमारे पास अभी है वो तैयार ही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने सबसे पहले बनाया था ये वाला ड्राइंग कंट्रोल सर्वे का, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि G1 जो मैंने बनाया था तो ये 3D में कन्वर्ट एक्चुअली हो गया है। फिर उसके बाद सेम मेथड से मैंने जो है वो G2 का कंट्रोल लाइन है वो मैंने इसके अंदर बनाई है ओके। ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है कि जो अलग अलग पॉइंट के हाइट से उसको ज्वाइन करके एक स्मूथ कंट्रोल लाइन आपको बना देता है और जो G3 था जिसका हमने रीडिंग लिया था उसको भी मैंने यहाँ पे ट्रेस करके जो है सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे कंट्रोल बना दिया है कि अब हमें इन तीनों के तीनों जो स्टेशन है उसको हमें कंबाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल फील्ड का रीडिंग था GPS का ओके, जो कोऑर्डिनेट हमने सभी के सभी जो स्टाफ और स्टेशन थे उसके कोऑर्डिनेट हमने नोट किए थे और उसके मुताबिक जो है हम स्टेशन मार्क करने वाले थे। तो अब हम गूगल अर्थ में देखते हैं
कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है सारे के सारे जो हमने नोट किए थे वो कैसे किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे। ये गूगल अर्थ है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी जो तीनों के तीनों स्टेशन है वो उसको यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, तो डायरेक्टली हम जो है वो उस स्टेशन पर ही जाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई कंटूर था, यहाँ पे हाई लेवल था, फिर लो लेवल था, फिर हाई लेवल, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा फ्लैट ग्राउंड जितना था। तो ये तीनों के तीनों स्टेशन है, उसके मुताबिक मुझे अपनी जो तीन ग्रिड बनाई है, स्टेशन वन की जो ग्रिड है, फिर स्टेशन टू की ग्रिड है, और जो है फिर स्टेशन थ्री की ग्रिड है, वो तीनों की तीनों को ग्रिड को मुझे ऑटोकैड के अंदर अरेंज करना है, ताकि मैं उसका अरेंज करके एक कॉमन कंट्रोल बना सकूँ। तो कॉमन कंट्रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस सभी चीज़ों के जो है वो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट तो मैंने ऑन द स्पॉट जो है रीडिंग लेते वक्त ही सारे के सारे जो है वो हमने नोट कर लिए थे। तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड है अलग अलग स्टेशन का, वो हमने नोट किया था सभी के सभी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम ऑटोकैड के अंदर फिर से जो है वो एक एक्सेल शीट बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल ग्रुप्स है, उसके अंदर मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई है, आप देख सकते हैं, जो इसके अंदर जो है वो लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड उसकी जो वैल्यू है मैंने जो अपना फ़ोन है उसके अंदर से डाली थी। तो मैं आपको सारी की सारी वैल्यू दिखाता हूँ कि आप कोई भी ऐप का यूज़ करके अपना जो सिस्टम है, आप जिस भी प्लेस पे है उसका लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड जान सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरे फ़ोन में जो मैं स्नैप लिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये तीनों के तीनों के ग्रुप है, उसके अंदर के जो लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड दोनों है वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे नोट किए थे। तो वही जो रीडिंग है वही मैंने यहाँ पे जो कंबाइन है जीपीएस के उसके अंदर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप वन यानी कि स्टेशन वन है उसका लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, और लेटिट्यूड है उसके साथ मैंने 10,000 मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि जो ये डिजिट है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि अगर पॉइंट में हम काम करेंगे तो बहुत ही छोटा सा ड्राइंग होगा। तो इस ड्राइंग को सिर्फ बड़ा करने के लिए मैंने सभी रीडिंग जो है जीपीएस के लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड उसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो ये हमारे अब हो गए लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड एज अ कोऑर्डिनेट हम यूज़ करेंगे, और कोऑर्डिनेट हमारे पास है तीनों के तीनों, तो सेम मेथड से हम ऑटोकैड के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो अभी आप कंबाइन में ड्राइंग आपको दिखाता हूँ, तो सबसे पहले कंबाइंड ड्राइंग के अंदर मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट मैं साइड में ले लेता हूँ ताकि आप ठीक से देख सकें इसको। ओके, ये जो है तीनों के तीनों पॉइंट आप अभी जो देख रहे हैं वो मैंने जीपीएस का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे एक्सेल में हमने शीट देखी उस शीट की मदद से यहाँ पे वो SW वाला सॉफ्टवेयर था उसकी मदद से इंपोर्ट किए हैं यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट। ओके, इसके अंदर मुझे अब जो G1 वाली ग्रिड है और G2 वाली ग्रिड है, G3 वाली ग्रिड है, दोनों की दोनों तीनों की तीनों जो है वो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करनी है और यहाँ पे अरेंज करनी है, जिसकी मदद से हम एक कंबाइंड ड्राइंग बना सके। तो यहाँ पे जो G1 है तो G1 का ड्राइंग मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, फिर G2 है उसका कॉपी कर लिया, G3 कॉपी कर लिया, और जो ये तीनों के तीनों पॉइंट है यहाँ पे मैंने प्लेस किए वन नंबर, आप डार्क सर्कल में देख सक रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने अभी G1 है वो उसको मूव करके, जो इसका स्टेशन मार्क है उसको सर्कल से दिखाया है, उसको मूव करके मैंने पॉइंट नंबर 1 के ऊपर ले लिया है। फिर जो ग्रुप नंबर 2 का जो है स्टेशन 2, तो उसका जो मैं है वो 2 नंबर के पॉइंट पे ले लिया, और ये 3 नंबर के पॉइंट पे। तो अब आप ऐसे 3D में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे एक 3D टाइप का कंटूर बना है। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंटूर है एकदम ही 3D बन गया है, और आप इसका कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप जो दोनों बीच बीच का जो डिस्टेंस है उसका भी आपने मेज़रमेंट लिया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक मेज़रमेंट यहाँ पे नोट किया है उसको कंफर्म करने के लिए कि कोऑर्डिनेट के ऊपर से जो हमारा एक्चुअली जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली आया है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेशन नंबर 2 टू स्टेशन नंबर 3 जो डिस्टेंस है 38 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है, 38.5 मीटर है। तो उसको मैंने चेक करने के लिए यानी कि हमारी जो रीडिंग है वो
एग्जिट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए मैंने एक जो है वो डायमेंशन लाइन भी ट्रेस की है, ताकि हमें पता चले कि जीपीएस के मुताबिक हमारे कोऑर्डिनेट के मुताबिक जो हमारा लाइन सिस्टम है वो सही आया है या नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 2 है, वो जो रीडिंग है वो 38.5 ही है। ओके, तो उसके मुताबिक जो हमारा रीडिंग है वो अब सेम है। अब जो मैंने सारी तीनों के तीनों जो ग्रिड है 1, 2 एंड 3 यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिए, लेकिन उसका जो रोटेशन है उसको मुझे एज पर नॉर्थ यहाँ पे लिखना होगा। तो इसका जो नॉर्थ है वो ऑन साइट थोड़ा सा मिस्टेक आई होगी 3 या 4 डिग्री की, इसमें 10 डिग्री की मिस्टेक होगी, या फिर अपना जो नॉर्थ है लोकल कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डिस्टर्ब हो गया होगा। तो अब जो हम नॉर्थ है वो एज़ पर जीपीएस सेट करेंगे। ओके, तो जीपीएस के मुताबिक जो अपना नॉर्थ बोल रहा है तो उसके मुताबिक हम जो अपनी ग्रिड है सारी की सारी उसको रोटेट करेंगे। तो ग्रिड नंबर 1 है उसका रोटेशन ऐसा है, जो ग्रिड नंबर 3 है उसका 90 डिग्री जितना रोटेशन है राइट हैंड साइड, और जो हमारी सेकेंड नंबर की ग्रिड है उसका रोटेशन थोड़ा सा है। तो तीनों की तीनों जो है अभी ग्रिड हमने यहाँ पे रोटेट करके जैसी एग्जैक्टली ऑन साइट थी, थोड़ी सी ग्रिड भी ओवरलैप हो रही है तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे सेट की है। ओके, अब फिर जो हम SW वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे उसी की मदद से अब हम यहाँ पे जो है वो कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दूसरी बार क्रिएट करके देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कंट्रोल कैसा दिखता है 3D में कन्वर्ट करने से। ओके, तो उसके लिए हम ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन करेंगे। ओके, अब सॉफ्टवेयर जब ऑन होगा तो उसके बाद हम ऑटोकैड की मदद से इस सॉफ्टवेयर से जो है वो कंटूर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद जो ट्राइंगुलेशन है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम कंटूर डिफाइन करेंगे, वो हम सर्कुलर यानी कि राउंड शेप में कंटूर लेंगे। यहाँ पे अब सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, तो उसके अंदर जो है हम सबसे पहले एड बाउंड्री करेंगे। एड बाउंड्री के लिए हम ऑटोकैड के अंदर जाते हैं सबसे पहले। ओके, ड्रॉ में जाइए, एड बाउंड्री के जिसकी आपको कंट्रोल ड्रॉ करना है तो उसके अंदर आपको सिर्फ एड बाउंड्री करना है। ओके, ये अब बाउंड्री एड हो गई है। ट्राइंगल्स में जाइए, ट्राइंगुलेट, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो अभी वो सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट कर लेगा और आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने पॉइंट है। आप देख सकते हैं 5000 एंड एक्चुअली इसने सारे के सारे ड्राइंग के अंदर का जो पॉइंट है वो गिन लिया है, लेकिन इसके लिए हम अलग ही एक ड्राइंग बना लेते हैं ताकि हम इजीली इसका जो है वो कंट्रोल बना सके। तो सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल के पॉइंट्स है 3D उसको हम ट्रेस करके साइड में ड्राइंग के अंदर ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्रॉ के अंदर जाना है, उसके बाद एड बाउंड्री, और जिस बाउंड्री के अंदर हमें कंटूर बनाना है उसके ऊपर क्लोज एंटिटी बने इस तरीके से हम एक बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। फिर ट्राइंगल्स के अंदर जाएंगे, उसके अंदर ट्राइंगुलेट करेंगे, यस ओके, बाय डिफॉल्ट ही हमें ऑप्शन रखने हैं। तो आप देख सकते हैं 850 पॉइंट्स है यहाँ पे उसने डिटेक्ट किए हैं। उसके बाद कंटूर के अंदर जाएंगे, ड्रॉ राउंड कंटूर। ओके, इसके अंदर आपको जितना इंटरवल चाहिए मेजर और नॉर्मल कंटूर का जो इंटरवल है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, राउंडिंग फैक्टर कितना रखना है वो आप लिख सकते हैं। ओके, तो अब जो है वो सॉफ्टवेयर है वो कंटूर क्रिएट कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं कि अभी जो कंबाइंड कंटूर है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है पूरा का पूरा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो कंटूर क्रिएट किया ही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कंटूर जो क्रिएट किया है। तो इसके अंदर अगर हम पॉइंट रिमूव कर देते हैं तो ये जो कंटूर है वो कैसा दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो कंटूर वाली लाइन्स है उसको हमें सेव एस करके DXF फॉर्मेट के अंदर सेव करना है, और वो जो फॉर्मेट है वो हम स्केचअप के अंदर जाके इम्पोर्ट करेंगे और इसकी जो है वो 3D जियोमेट्री बनाएंगे। तो ये वाली जो फाइल है जितनी लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं उनको मैंने ऑलरेडी जो है वो स्केचअप के अंदर इंपोर्ट किया है। अभी मैं जो कंट्रोल की लाइन है
वो ही आपको दिखाता हूँ। जो कंट्रोल की लाइन हमने ऑटो कैड के अंदर देखी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो अभी हमें एक सरफेस ऐसी टेरेन बनानी है जो इन सभी लाइन में से पसार हो रही हो। ओके, तो उसके लिए हम सबको सिलेक्ट करेंगे, ये जो हमारा सेंड टूल है उसका हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो फ्रॉम कंटूर्स। ओके, तो इसके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सेंड टूल है वो यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, आप देख सकते हैं 30% 40%। तो ये सेंड टूल जो है सारी की सारी लाइंस और पॉइंट उसमें मैक्सिमम हमारी जो टेरेन है वो उसमें से पसार हो सके, ऐसा एक जो है वो जियोमेट्री बनाएगी, 3D जियोमेट्री। तो इसको हम साइड में लेके देख सकते हैं कि हमारी जो टेरेन है एक्चुअल में कैसी दिखती है। ओके, तो अब जो है हमारी वो टेरेन ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो अब टेरेन है वो एक्चुअली इसके ऊपर ही आ गई है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमें अगर 3D में देखना है तो इसे हम साइड में ट्रेस कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको देख सकें। ओके, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली जो अब हमारी टेरेन है। अब हम इसको जो GPS है उसके डेटा के साथ भी, सॉरी हमारा जो सैटेलाइट का डेटा है उसके साथ भी कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये एक्चुअली कैसा बना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं G1, 2 एंड 3 पॉइंट। तो अब हमारा G1 पॉइंट था वो यहाँ पे कहीं पे था, और G2 पॉइंट है यहाँ पे, और G3 पॉइंट यहाँ पे था। सबसे पहले हम शेडो ऑन कर देते हैं ताकि इसे इजीली देख सकें। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कोर स्लोप है इस ओर थोड़ी सी वैली जैसा है और यहाँ पे फ्लैट ग्राउंड है। तो आप यहाँ पे सेम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो फ्लैट ग्राउंड है, यहाँ पर भी फ्लैट ग्राउंड है। इसी तरीके से आप जस्ट सैटेलाइट इमेज से कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो आप स्लोप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी स्लोप है, और फिर इन दोनों के बीच में जो है वो लाइन वर्क है थोड़ा सा, यानी कि थोड़ी सी वैली जितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल फ्लैट ग्राउंड जितना है, फिर वापस जो है वो हमारे हिल एरिया शुरू हो रहा है। ओके, तो ये जो हमारी सरफेस है। ओके, अगर आपको इसे थोड़े से स्केल मॉडल में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया आएगा। तो इसको मैं वर्टिकली स्केल कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और जस्ट आपको ऊपर की ओर ट्रेस करना है। ओके, तो मैं इसे 5 टाइम्स वर्टिकली स्केल कर देता हूँ ताकि मुझे जल्दी से आइडिया आए कि ये टेरेन कैसा है एक्चुअली। ओके, अब आपको इसे जो ये कंटूर है उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे जो है वो स्लोप है वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटूर जो हमारा है धीरे से ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा जैसा है तो यहाँ पर भी गड्ढा जैसा है, और यहाँ से वापस अपर जा रहा है, और यहाँ पे फ्लैट ग्राउंड है। कि तो इसी तरीके से जो आप कंटूर है अपना उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कंटूर का आप अगर कोई बिल्डिंग या कोई और डिज़ाइन स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इस कंटूर का आप एज अ सॉइल लेकर इसको यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऐसे 3D कंटूर हम बना सकते हैं। अभी तो हमने डंपी लेवल यूज़ कर लिया था, लेकिन अगर हमारे पास टोटल ट्रेशन है तो ये टास्क बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि हम नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़ा सा एरिया सर्वे कर सकते हैं, और उसका इसी ट्रिक से जो है वो 3D कंटूर बना सकते हैं।